Hey, welcome back. I'm S.K. Patel from PBR Study YouTube channel. In this video lecture, we will talk structure-based spoken English. Okay? हम लोग structure-based पे क्या कर रहे थे, spoken English को समझ रहे थे, सीख रहे थे, और मैं आशा करता हूँ आपने इसकी previous video lecture जो हमने आपको बताया था इसके पीछे वो सारी चीज़ों को एंजॉय किए होंगे। आपके स्क्रीन पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी कुछ स्ट्रक्चर लाया हूँ, कुछ डिजाइन करके लाया हूँ, ठीक है। ये चीज़ों को देखो और बारीकी से एक एक चीज़ों को समझने के पहले साथियों प्रयास करना, ठीक है। एक एक चीज़ों को सीखने के प्रयास करो। क्या आप इसके पहले की जो वीडियो लेक्चर मैंने पढ़ाया था उससे समझ में आ रहा था कि नहीं, कमेंट करके बताना, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था साथियों, याद करो, मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट लेना था हम लोगों को, फिर इज, एम या आर, यही तो मैंने बताया था, और फिर नाउन या एडजेक्टिव, यही चीजों तो मैंने आपको बताया था साथियों। बताओ, यही तो यूज ऑफ इजेमर में बताया था, बताओ बताया था ना, आप मुझे बताओ, सिखाया था ना मैंने भाई एक पिछले क्लास में, तो वो गुड मॉर्निंग गुड बाय ये सब तो सीख लिए, कब क्या बोलना था। लेकिन हम इसमें लेक्चर 5 है, देखो ये सीरीज 10 तक चलाऊंगा, ठीक है, 10 सीरीज 10 तक चलेंगे। ये क्लासेस जो है ना आपका, वो लेक्चर ये 5 है, ठीक है, ये लेक्चर 5 है और ये 10 सीरीज तक चलेगा, ठीक है। 10 सीरीज चलाएंगे हम आपको इसका, ठीक है, फिर आप थोड़ा बहुत बोलने लगेगो, ठीक है। अच्छा, हमने बात किया था सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, नाउन या एडजेक्टिव रहेगा, आप समझ पा रहे हो ना, ये चीजें रहेंगे। और मैं इसी के बेस्ट पे, इसी के आधार पे इंग्लिश धुआंधार बोलोगे। जैसे एक वर्ड ले लो, जैसे एक वर्ड ले लो बॉय, वर्ड है बॉय। अब देखो आप बोलोगे इंग्लिश, मैं नहीं कुछ करूंगा, आप अपने आप से इंग्लिश बोलोगे। देखो कैसे बोलोगे, समझने की प्रयास करो तो मेरे साथ, देखो कैसे बोलोगे। ये बॉय क्या आपका साथी हो, नाउन है, ये क्या साथी हो, नाउन है। और आप उसी के आधार पे हजारों सेंटेंस बोलोगे और धुआंधार तरीके से, कैसे बोलोगे सुनो। पहले काम करना है आपको, छोटे छोटे सेंटेंस लेना, जैसे बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आई के साथ एम लगता है, ही के साथ एज लगता है, सी के साथ एज लगता है। देखो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, सारी चीज़ मैंने बनवा कर लगवा दिया। देखो एनी नाउन, नाउन के मतलब राम, श्याम, पिता, सीता, मोहन, बॉय मतलब स्टूडेंट, टीचर, ये सारे नाउन है, ठीक है। फिर दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, वी के साथ भी आर लगता है, ठीक है, वहाँ पे छूट गया, वी के साथ आर लगेगा, ई के साथ एज, सी के साथ एज, ये एज मैंने आपको बना करके दे दिया है। अब आपको काम करना होगा मेरे साथ, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अभी मैं आपको पक्षियों के नाम के साथ स्पोकन सिखाऊंगा। किसके साथ, पक्षियों के नाम के साथ, आप कैसे बोलोगे मेरे साथ बनो, और उसकी फोटो के साथ मैं सिखाने के प्रयास करूंगा। तो बस देखो, जैसे आपके सामने कौ, कौ के नहीं मुर्गा, मुर्गा देखियो ना, तुम लोग हलाल करके खा जाते हो, अभी माफ करना, अभी हम लोग को पढ़ रहे, मतलब बता रहा आपके स्पोकन में, माफ करना माँ, तो मुर्गा समझते हो ना, मुर्गा को पोसते हो ना, बड़ी हो जाते हैं, समझते हो ना, मुर्गा हेन मतलब मुर्गी होती है, कॉक क्या आपका मेल है, जेंडर पढ़े हो ना, आप सभी को जेंडर पढ़ाया हो ना, मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन न्यूट्रल। तो ये कौन सा जेंडर है, जो कॉक दिखाई दे रहा है आपका कॉक, ये मैस्कुलिन है, जो कॉक है ना मैस्कुलिन है। और बताना इसके कैसे बनाओगे, इस पे कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज ए, ही इज ए कॉक लिख सकते हो क्या, ही इज ए सी ओ सी के, सी ओ, ठीक है, सी ओ सी के, वह मुर्गा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो, देखो ही की जगह डैट भी लगा सकते हो, दिस भी लगा सकते हो, दिस भी, देखो जैसे बोलना ही इज ए कॉक, ठीक है, लगा सकते हो ना ही इज ए कॉक। अब देखो हीज कलर, अब यहाँ पे लिख सकते हो हीज कलर, सी ओ एल ओ यूर कलर इज, कलर कैसा, देखो कलर कैसा है उसका, कलर देखो तो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप पे है ना, ये ऑरेंज टाइप है ना, ब्राउन लिख दो, इज कलर इज ब्राउन। देखो आप सेंटेंस बनाओगे, आप खुद से बनाओगे, इज कलर इज ब्राउन है ना, उसका क्या कलर क्या है, ब्राउन है, वाइट भी है, एंड सम पार्ट्स इज वाइट, मतलब अपने से बनाओ इसके देख के। अब देखो अब एज हैव का यूज नहीं सिखा रहा हूँ, अभी हम लोग यूज ऑफ इजी मार ही देख रहे हैं, इजी मार की क्राइटेरिया में चलेंगे हम लोग, यूज ऑफ इजेमार ही देख रहे थे, यूज ऑफ इजेमार में ही अभी बनाएंगे सारे। अब देखो इसके पास और क्या लिख सकते हो, और बताओ हाँ क्या लिख सकते हो, बताओ जल्दी से, कॉक इज ए, कॉक इज ए,
फोर्थ नेम क्या लिख सकते हो बताओ, अभी लिख सकते हो ना, सी ओ सी के कॉक इज, कॉक इज ए नेम ऑफ बर्ड्स, लिख सकते हो ना बताओ। ये कॉक क्या है आपका, कॉक क्या सब्जेक्ट है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने बताया था ना साथियों, नाउन या सिमिलर टू नाउन होता है, नाउन या सिमिलर टू नाउन होता है। ये आपका हिज कलर क्या है, सब्जेक्ट है, हिज कलर क्या है साथियों, सब्जेक्ट है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो साथियों, बोल सकते हो कॉक इज ए नेम ऑफ बर्ड्स, कॉक इज ए बर्ड्स, कॉक क्या एक पक्षी है, कॉक क्या एक पक्षी का नाम है, कॉक जो सामने आपके मुर्गा होते क्या बोलोगे, ही इज अ कॉक बोलोगे ना। फिर क्या बोल सकते हो, हिज कलर इज ब्राउन, बोल सकते हो कि नहीं, पहले बताओ मेरे को साथियों, बताओ आप कॉक वाला सीख गए, आ जाओ सेकंड नंबर पे आ जाओ, थोड़ा सा मैं सिखाने की हर चीज प्रयास करूंगा। देखो अब आ गया यहाँ पे कैर्न, क्या है आपका साथियों, कैर्न यानी कि सार्स, कैर्न मतलब गैरन मतलब होता है सार्स, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, ये छोड़ दो आप आ जाओ, आपको टफ लगेगा, आ जाओ क्राउड, इसको सबको नहीं देखा है, सारा किसी ने नहीं देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो उसे। अब देखो इसी के यूज पे इसको कैसे बनाओगे, क्राउड क्राउड मतलब कौआ, कौआ देखो ना सुबह में आके कू कू बोलता है। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो अब कौआ आपका जो होता है साथ मैस्कुलिन और फेमिनिन कॉमन में आ जाता है, ये पता नहीं कर पाते हम लोग कि क्या चीज है, प्रोफेशन में आ जाता है, कौवा मेल है कि फीमेल हम लोग पता ही नहीं कर पाते हैं, ये क्या होता है साथियों आपका कॉमन में आ जाता है, तो छोड़ेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसके साथ सब्जेक्ट में, क्या यहाँ पे दिस डैट छोड़ दिया जो है ना आपका स्टब से, वहाँ पे आप दिस लगा सकते हो, डैट लगा सकते हो, दिस लगा सकते हो, दोज लगा सकते हो, कैसे दो क्या इसे बनाओगे, पहले समझो क्या लिख दोगे, पहला बार लिखोगे दिस सब्जेक्ट हो गया, फिर लगाओगे इज, दिस इज ए क्राउन, ठीक है, डैट इज ए क्राउन, वह कौवा है, यह कौआ है, ठीक है, ये सब कौआ है, देखो दीज लगा सकते हो, दीज आर क्राउज, देखते जाओ बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओगे, फिर लिख सकते हो दोज, दोज आर क्राउज, आप साथ धुआंधार तरीके से बोलना। देखो ये सब लिख क्यों रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने कोई भाड़ा नहीं रखा आपके कि मैं इतने टाइम आपको लू, देखो ऐसे बोलोगे कि दिस इज क्राउज, डैट इज क्राउज, दीज आर क्राउज, क्राउज का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा यानी मोर देन वन, जब एक से अधिक संख्या में कौवा क्या होता है, तार पे बैठ जाता है, तार पे बैठ जाता है ना, जो बिजली के खंभे तार पे, हम कहते हैं दीज आर क्राउज, ये सब कौवे हैं, दोज आर क्राउज, दूर बैठा होगा बहुत दूर, कहेंगे वे सब कौवा है, ये सब कौवा है, वो सब कौवा है, यानी नजदीक वाले के दीज, दूर वाले को दोज, उसी तरह दीज दिस जो होता है नजदीक के लिए होता है, डैट जो होता है दूरी के लिए होता है, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, तो फटाफट इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का, टेलीग्राम जाकर चैनल ज्वाइन करने, चलो चल ये समझ गए ना, समझ गए ना, अब इसी में क्या लिख सकते हो, और आ जाओ इसी में भी और भी बना सकते हो, देखो ये सब लिख क्यों रहा हूँ, आपको बोलना है, आपको लिखना नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो, कॉपी कलम लेकर बैठना है, सारे चीज को चार्ट बनाना है, हिंदी नहीं करना है आपको, मैं हिंदी लिखवा नहीं, उसे बता रहा हूँ आपको, तो आपको भी वैसे काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, आ जाओ इसी के साथ लिख सकते हो क्या चीज, आ जाओ कैसे लिख सकते हो, दिस कलर इज हिज, क्राउ कलर इज ब्लैक, क्राउ कलर इज ब्लैक, क्राउ इज ब्लैक, क्राउ इज ब्लैक, देखो क्राउ क्राउ इज ब्लैक क्या होता है, कौवा काला होता है, इसका मतलब क्या हो गया, क्राउ इज ब्लैक, कौवा काला होता है, क्राउ इज ए बर्ड, आप लिख सकते हो क्राउ इज ए बर्ड, क्या होता है इसका मतलब, कौवा जो कौवा होता है क्या होता है, कौवा क्या होता है, एक पक्षी है, कौवा एक पक्षी है, समझ रहे हो ना, कौवा एक पक्षी है, क्या लिख सकते हो, क्राउ इज द नेम, क्राउ इज द नेम ऑफ, क्राउ इज द नेम ऑफ बर्ड, क्या है कौवा क्या है, किसी पक्षी का नाम है, क्राउ इज द नेम ऑफ एनी बर्ड्स, कोई ठीक है, एनी बर्ड्स, ठीक है, एनी बर्ड्स क्या है, किसी पक्षी का नाम है, कोई पक्षी का नाम है, जो कौवा क्या है, किसी पक्षी का नाम, आप बनाओ यूज ऑफ इज मार करके, अब इसके यहाँ पे लिखते ही हैव अ टू लेग्स, तो वहां पे क्राउ हैव टू लेग्स, तब हम लोग यूज ऑफ हैव हैज में सीखेंगे, बट हम लोग क्या सीख रहे हैं, इज एम आर के यूज सीख रहे हैं, इसी में सारे चीजें हमको सीख, समझ में आ रहा है ना, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं, फोर्थ नंबर में कोयल, तो मैं कहता ना कोयल सी बोली छू,
टोटो टोटो गाना सुनो ना, उसी पर हम लोग बनाएंगे, जल्दी से करो, एकदम मेरे साथ बनो और जल्दी जल्दी काम करो, एकदम प्यार जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। तो दोस्तों के साथ शेयर करने का, सिर्फ नौटंकी बाजी नहीं करने का, शेयर करने का, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करना है। अब जैसे इसको कैसे बनाएंगे, वही फार्मूला अपनाएंगे, बीस लगा देंगे, बीस इज ठीक है, फिर यहाँ पे कर देंगे डैट इज ठीक है, वही चीज़ें लिख लेंगे, दिस इज कोयल, दिस इज कुकू, डैट इज कुकू ठीक है, फिर दीज वाला लगा देंगे, दीज इज दीज आर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है, इज नहीं रह जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा होता है तो आर का यूज करते हैं, इसका यूज करते दीज आर ठीक है। फिर यहाँ पर कर देंगे दोज, देखते चलना सीखते चलना, फिर क्या हो जाएगा दोज वो बातें लिख देंगे, फिर वही चीज़ें लिखेंगे, क्या चीज़, दिस इज ए बर्ड, फिर क्या लिख देंगे, दिस इज ए बर्ड, दिस नहीं लगाएंगे, कोयल कोयल यानी कि कुकू, क्या लिखेंगे, सी यू सी के डबल ओ कुकू इज ए, ये सारे चीज़ें लगा करके बोलो, जैसे बोलो मेरे साथ आ जाओ फटाफट आ जाओ, दिस इज ए कुकू, दैट इज ए कुकू, इज आर कुकूज, हाँ दोज आर कुकू, कुकूज एस लगाना ठीक है, कुकू इज ए बर्ड, कुकू इज द बर्ड ऑफ नेम एनी नेम्स ठीक है, कुकू इज द नेम्स ऑफ एनी बर्ड, सॉरी कुकू इज द नेम ऑफ एनी बर्ड, कुकू क्या किसी पक्षी का नाम है। इस तरह से क्या कर सकते हो साथियों, आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर बेस्ड पे आप इंग्लिश बोल पाओगे, बताओ आप सिर्फ आज तक यही नहीं समझते कुकू, बस कभी बोलने का प्रयास किया है, नहीं कोई पूछ देगा बताओ कुकू क्या है, कैसे बोलूंगा, कोई पूछ देगा व्हाट इज कुकू, हाँ व्हाट इज कुकू, कोई पूछे व्हाट इज दिस, वहाँ बैठा हुआ कोयल, वहाँ कोयल सामने बैठा है, क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन अराइज होगा तब आप बोल पाओगे, पहले क्वेश्चन अराइज करना चाहिए, जैसे आपसे कोई पूछ देगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बेटा, आप बोलोगे ना दिस इज कोयल, दैट इज कोयल, कोई पूछ देगा व्हाट इज दैट, वह क्या है, दैट इज कोयल, बोलोगे ना मेरे साथ बताओ, बोलोगे ना दैट इज कोयल, कोई पूछ देगा ये सब क्या है, जैसे बैठा होगा बहुत सारा कोयल, कोई आकर पूछ देगा, मान लो फॉरेन का आदमी आएगा उसे पता ही नहीं क्या है, पूछ देगा ना व्हाट आर दीज, ये सब क्या है, बोलोगे ना दीज आर कोयल, दीज आर कोयल, समझ रहे हो ना, ऐसे बोलोगे ना आप, तो ये बातों को आपको समझना है, जैसे पूछ देगा कोयल क्या होता है, कोयल क्या होता है, कोयल इज द नेम ऑफ बर्ड्स, क्या होता है, कोयल किसी पक्षी का नाम होता है, समझ रहे हो ना, इस तरह से आप क्वेश्चन से आंसर दे करके भी आप स्पोकन सीख सकते हो, पता मजा आ रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो ये हम मिटा के गलती कर दे, अब मैं आपको स्पीड में बताते चलूंगा, आपको देखते चलना, चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ पख्ता, पख्ता का नाम सुनियो ना, अरे यार गाँव में से वो बोलते हैं यार, मैं बताता हूँ उसका नाम भूल गया, देखना गाँव देहातों में छतों पा कर बैठते हैं पख्ता, पीठ पे जो उनके होते हैं ना, देहाती नाम नहीं पता इनका क्या होता है, जान जाए जैसे इसको कैसे बोलेंगे, डॉव, डॉव मतलब समझो, डॉव साबुन नहीं रहता, साबुन और डॉव जो लगाते हो प्रचार देता है कि लगाओ डॉव और रफन पाओ, तो डॉव का मतलब देखना, इनके भी पीठ पे जो वाइट वाइट कलर होता है थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक होते हैं, समझ रहे हो ना, चलो कैसे बोलोगे, दिस दिस इज डॉव, दैट इज डॉव, हाँ दीज आर डॉव्स, दैट दोज आर डॉव्स, ओके बोलोगे ना, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, हिंदी में ही करो, इसको इंग्लिश में ही सीखने की प्रयास करो, तब आप बेहतर कर पाओगे, अदरवाइज समझ लो ना फिर आप रटते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, हिंदी करने के चक्कर में नहीं बोलो, हिंदी करने के चक्कर में हम बहुत गलतियां करते हैं ठीक है, इसी तरह से आप इसको बोलना घर पे प्रैक्टिस करना, तो दस भाई बुक होगा ना गुड इंग्लिश से भी आप गुड तरीके से अंग्रेजी बोल जाओगे, दो रुपये की किताब अब दो रुपये नहीं मिलती, दस रुपये मिलती है, दस रुपये की किताब से भी आप बोलोगे, और बाकी मेरा वीडियो देख लेना थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएंगे, पता इसको किसने नहीं देखा भाई, सबने देखा डक बतख किसने नहीं देखा, अभी दशहरा आया था ना, बतख पे हमारे वो कार्तिक महाराज बैठे थे, क्या बोल सकते हैं, दिस इज डक, हाँ दिस इज डक, डैट इज डक, दीज आर डक्स, दोज आर डक्स, हाँ बोल सकते हैं ना, डक्स कलर इज वाइट, हाँ हाँ बोल सकते हैं ना, डक्स कलर या हिज हर कलर बोल सकते ना, डक्स कलर बोलो चलो, डक कलर इज वाइट, हाँ बोल सकते हो ना, डग्स लेग्स कलर इज क्या बोल सकते हो, ऑरेंज टाइप से होता है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक एक छोटे छोटे वर्डों को इसको यूज कर करके बैठा करके आप बोलने के प्रयास, ठीक है समझ गए ना, सातवां नंबर में देख लो ईगल, चील, समझते हो ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन पैदा कर, चील किसी के बदलों पर नहीं उड़ता, अपनी खुद की मेहनत पर उड़ान भरती, आपको खुद की मेहनत कर
से उड़ान भरना चाहते हो, अगर इस दुनिया में राइज करना, तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा साथियों, सीखने के खुद से मेहनत करना। कोई जड़ी बूटी नहीं होता, हम लोग सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देंगे, कंसेप्ट देंगे, बसरते मेहनत आपको करना, समझ रहे हो ना। कोई घोर के नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, आपको इस पर काम करना होगा। वैसे ही हम लोग बता रहे हैं, आपको क्या करना होगा, मिरर के सामने जाना होगा और धीरे धीरे प्रयास करना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज गर्ल, दैट इज गर्ल, दीज आर ईगल, दोज आर ईगल, ओके, इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, बोल सकते हो। हाँ, समझ लो ना, ईगल का मतलब होता है गॉड, समझ लो ना, गॉड यानी कि सुरक्षा। जो ईगल होता है ना, बहुत सख्त चीज़ होता है, अपने आप को पता है क्योंकि ईगल बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप ईगल बन जाओगे ना, कोई ब्रेक नहीं कर सकते। ईगल क्या करता है, किसी भी चीज़ को खाक लेकर भग जाता है, रोटी पर जाकर उसे खा, समझ लो ना, कि अपने पंखों को अपने फिर से बर्बादी से, समझ लो ना, ये चाहता तो राज करने के लिए 60 साल, पता है, अपने पंखों को नाखूनों को खुद से तोड़ता है, खुद से खून बहाता है, यानी बहुत स्ट्रगल करता है, फिर जाके दुनिया पर राज करता है। आपको भी पहले मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है साथियों, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जो हेन मुर्गी, हॉक सीखे थे ना पहले, हॉक हेन, यहाँ पर मुर्गी, ये आपका फैमिली ने, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, ठीक है। मतलब मुर्गी क्या कर सकते हो, दिस इज हेन, दैट इज हेन, दीज आर हेन्स, हाँ, दोज आर हेन्स, कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, मुझे बताओ, हाँ कर सकते, कैसे कर सकते हो, हेन इज फेमिनिन जेंडर, हाँ, हेन इज ए नाउन, क्या हेन का एक नाउन है, वही साथ बहुत सारे कुछ है, बना सकते हो, डिपेंड अपे करता है क्या क्या माइंड में आता है, करते रहो और बस प्रयास करके सीख जाओगे। रामचरी, इसकी नाम नहीं सुनी हो, देखे होगा बालवीर मूवी, तो आप बालवीर से देखो, ये किंगफिशर रामचरी, ये इस पर आप 10 नंबर आ गया, चील, वही बात। तो आपने सीखा कि पक्षियों का नाम का यूज करके कैसे हम अपने आप का स्पोकन के दुनिया में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते। बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे विदा, मिलिंग अपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।